अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि तमाम सुनने वाले खैरियत से होंगे। नाकाबले फरामोश के एक और नए एपिसोड में आप तमाम सुनने वालों को खुशामदीद कहता हूं। आज की कहानियों में जो पहला वाकया है, यकीनन आप सब ने थंबनेल तो देख ही लिया और अंदाजा भी लगा लिया होगा कि टाइटल में जो स्टोरी मैंने मेंशन की है, आज की पहली कहानी में वही सबसे शेयर करूंगा। वाकयात का आगाज करने से पहले तमाम सुनने वालों से ये दिली अल्तमास है कि अपनी दुआओं में हमें और अपने वालिदैन को और हमारे वालिदैन को भी बहुत याद रखिएगा कि अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ो अमान और पनाह में रखे और हमेशा सीधी राह पर ही चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। ये कहानी जो मैं आप तमाम सुनने वालों से गोश गुजार करने जा रहा हूँ, आज की पहली कहानी हमें नबील ने शेयर की। नबील एक बहुत ही मशहूर टिकटॉकर भी हैं और आप सब ने शायद कभी ना कभी नबील को देखा भी हो। बोल टीवी में एक शो आता था, खुश रहो पाकिस्तान। उस शो के होस्ट फैसल कुरैशी थे, जो कि बहुत ही मशहूर एक्टर भी हैं। फैसल कुरैशी के इसी शो में तमाम टिकटॉकर्स को भी इनवाइट किया गया था और उनका एक काफ़ी अरसे शो चलता रहा। उसी शो में नबील भी थे और ये वाकया उनके साथ तभी पेश आया जब वो इस शो में शिरकत करने के लिए गुजरावाला से कराची आ रहे थे। नबील की ज़िंदगी का ये सफ़र बहुत ही भयानक गुजरा, जो नबील कहते हैं कि मैं आज तक उसे नहीं भूला। इंसान बाज़ औक़ात बहुत सारी चीज़ें भूल जाता है, लेकिन कुछ ऐसे वाक़यात होते हैं जो नाकाबिले फरामोश होते हैं। कहते हैं कि शो में जाने के लिए एक दिन पहले ही मुझे कराची पहुँचना था और सबसे मुनासिब वक्त रात का था। रात के वक्त का सफ़र बहुत ही सुकून का होता है और मैंने गुजरावाला से ट्रेन पकड़ी कराची के लिए और अपनी मंजिल को रवाना हो गया। एक दिन पहले मुझे कराची भी पहुंचना था शो से। जब स्टेशन से ट्रेन चल पड़ी, काफ़ी देर गुजर जाने के बाद मुझे रिफ़ हाजत महसूस हुई और जब मैं वॉशरूम जाने के लिए उठा गया तो वॉशरूम अंदर से बंद था, तो मुझे लगा शायद कोई पैसेंजर होगा। मैं वहीं पर इंतज़ार करने लगा। काफ़ी देर गुजर जाने के बाद भी कोई भी अंदर से नहीं निकला तो मैंने नोक करना मुनासिब समझा। काफ़ी देर हो चुकी थी और मैंने एक बार नोक की और दोबारा 10 मिनट तक इंतज़ार करने लगा, लेकिन उसके बावजूद भी अंदर से कोई नहीं निकला। तब मुझे लगा कि शायद मुझे रिमाइंड के लिए एक और बार नोक करना चाहिए। बाज़ औक़ात इस तरह भी होता है कि लोग अंदर स्मोकिंग करते हैं और वक्त ज़ाया करते हैं या बैठ जाते हैं। 2-3 बार नोक करने के बाद भी इंतज़ार किया, लेकिन जब कोई नहीं निकला तो मैंने एक आवाज़ लगाई कि कौन है, और ये मैंने गुस्से में कहा था कि भाई जल्दी निकलो, वक्त ज़ाया मत करो। लेकिन अंदर से कोई भी जवाब नहीं आया। उसके बाद दोबारा मैंने नॉक किया और इस बार मैंने थोड़ा और सख्त लहजे में कहा तो अंदर से एक बहुत ही अजीब और बहुत ही पुरसरार आवाज़ में किसी ने इस तरह कहा, जैसे हम किसी को चुप करवाते हैं। आवाज़ को पहचानना बहुत मुश्किल था कि ये किसी औरत की आवाज़ है या मर्द की। वो आवाज़ दबे हुए अल्फाजों में कही गई थी, इसीलिए समझना बहुत मुश्किल था। काफ़ी देर दोबारा इंतज़ार किया। उसके बाद जब वहाँ पर टीटी आया, ट्रेन का जो टिकट चेकर होता है, जब वो मेरे पास से गुजरा तो मैंने उसे बताया। मैंने उससे कहा कि प्लीज़ अंदर देखिए कोई है और बाहर आने को तैयार नहीं, काफ़ी देर हो चुकी है और किसी ने इस तरह आवाज़ में मुझे चुप करवाया। जब टिकट चेकर ने बाथरूम के दरवाजे को नोक किया तो दरवाज़ा खुला हुआ था। उसे देखकर मैं काफ़ी हैरान हुआ, क्योंकि अभी अभी दरवाज़ा बिल्कुल लॉक था और मैंने ये नहीं कि कोशिश नहीं की, सबसे पहली बार मैंने कोशिश की थी, लेकिन दरवाज़ा अंदर से लॉक था तो ये अचानक से खुल कैसे गया। और अंदर से जो आवाज़ आई थी बहुत ही अजीब सी बात थी, लेकिन उसके बावजूद भी वॉशरूम यूज़ करने के बाद मैं जाकर दोबारा बैठ गया और मेरी आँख लग गई। मैं थोड़ी देर के लिए सो गया था और अचानक से अब मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे आसपास कोई सांप हो। किसी सांप की आवाज़ आई और मैं जल्दी से खड़ा हो गया। मेरी आँख खुल गई और मैं डर के मारे खड़ा हुआ था, क्योंकि अक्सर व बेशतर जंगल और वीरान रास्तों से ट्रेन गुजरती है। हमारी ट्रेन भी ऐसी जगहों से गुजरी थी और वीरान सी रात, हो सकता है कहीं से कोई ट्रेन आ गई हो। बाज़ औक़ात चलते हुए भी ट्रेन किसी न किसी गाड़ी में आ सकती है दरख्तों के जरिए। मैं अपने आसपास तमाम जगहों का जायज़ा लेने लगा
और अपनी सीट के ऊपर नीचे तमाम जगहों को देखने लगा, लेकिन कहीं पे भी कोई सांप का नामो निशान नहीं था। लेकिन वाजे तौर पे मुझे ऐसा लगा था कि शायद मेरे आसपास कोई सांप है जो मेरे बहुत करीब थी, उसकी आवाज मेरे कानों में आई थी। लेकिन अपना वहम समझ के इग्नोर किया और बैठ गया अपनी सीट पर। अब मुझे थोड़ा सा भूख का एहसास होने लगा, भूख लगने लगी, और जैसे अपने मुंह से ये लफ्ज अदा किए कि सामने से एक आदमी आया और तमाम लोगों को छोड़कर उसके हाथ में कुछ पैकेट्स थे बिरयानी के, किसी के पास नहीं गया और सीधा मेरे पास आया। मैं उसे देख रहा था दूर से, ये शख्स मेरे पास आ रहा है जबकि वो बिरयानी को सेल कर रहा था, लेकिन किसी के भी पास नहीं किया। मेरे पास आकर कहने लगा कि बिरयानी चाहिए आपको, फला फला कीमत है इसकी। मुझे वैसे भी भूख थी, मैंने वो खरीद दी। और जब वो चला गया तो मैं उसी को देखता रहा और काफी हैरानगी से देखता रहा, क्योंकि अगर वो वाकई में बिरयानी सेल कर रहा था तो दूसरे लोगों के पास क्यों नहीं किया और सिर्फ मेरे पास ही क्यों ना आया। खैर, इस बात को भी इग्नोर किया और अपनी बिरयानी खाने के बाद जब मेरा स्टेशन आया जहां पे मुझे उतरना था, स्टेशन आने ही वाला था कि वो शख्स मेरे पास दोबारा आया और कहने लगा बड़े अजीब अंदाज में कि आपको वो बिरयानी कैसी लगी। तो मैं उसे देख रहा था, उसके चेहरे पर एक अजीब सी शरारत थी, गोया जानबूझ के इस तरह मुझे तंग किया जा रहा हो। पर मैंने उसे कोई जवाब नहीं दिया और वो चला गया। और स्टेशन भी आ चुका था और जैसे ही मैं उठा, जाते वक्त मैंने उसे कहा कि बिरयानी अच्छी थी आपकी। अब जब मैं बिल्कुल उतर नहीं लगा था कि मुड़ के उसी शख्स को दोबारा देखा तो दूर से वो शख्स मुझे दिखाई दिया जिसकी आंखें बहुत चमक रही थी, जैसे आप अंधेरे में बिल्ली को देखते हैं उसकी आंखें चमकती हैं, बिल्कुल इसी तरह उस शख्स की आंखें चमक रही थी, जिसको देख के मेरे दिल में अजीब सा खौफ महसूस हुआ और मैं डर के मारे जल्दी से ट्रेन से उतर गया और यही सोचने लगा कि वो शख्स कौन था, क्या वो सिर्फ मुझे ही दिखाई दिया या सभी को दिखाई दे रहा था। अगर वो ट्रेन में सामान बेचने वाला था तो दूसरों के पास क्यों नहीं किया। और जैसे ही मैंने अपने मुंह से ये लफ्ज अदा किए थे कि मुझे भूख लगी है, सिर्फ मेरे पास आया और उसकी आंखें जो चमक रही थी ये कोई आम सी बात नहीं थी। मेरे गुमान में ये है कि शायद वो कोई गैर मराई मखलूक में से ही था। वॉशरूम में जिस तरह एक अजीब सी आवाज ने मुझे चुप कराया था। खैर, कराची में बोल टीवी के इस शो में शरीक होने के बाद दोबारा वापस अपने घर चला गया और उसके बाद मेरी तबीयत बहुत खराब थी। रास्ते में ही मेरी तबीयत अजीब होने लगी थी जब से वो बिरयानी खाई थी, लेकिन वापसी में बहुत ही खराब हो चुकी थी। और फिर घर पहुंचते ही मैंने किसी साहिब इल्म शख्स से बात की, एक आलिम साहब से राबता किया। उसने मुझे बताया कि बाथरूम में यानी बैतुल खला में जिन्नात भी रहते हैं और हो सकता है कि रात के वक्त कोई मखलूक वहां पर मौजूद हो और तुम्हें गुस्सा नहीं करना चाहिए था जब तुमने बहुत ही जज्बाती और गुस्से के अंदाज में उसे डांटा, तो हो सकता है कि उसने ये गुस्से में आके अपने आप को जाहिर किया हो इंसानी रूप में, और उसने तुम्हें वॉर्न भी किया जिस तरह तुमने बताया कि अंदर से एक अजीब सी आवाज आई थी। दरअसल उसने तुम्हें चुप करवाया था और फिर तुम्हारे साथ ये वाकया पेश आया, पर फिर भी अल्लाह का शुक्र है कि तुम सही सलामत हो और खैरियत से अपने घर भी पहुंच गए। नबील कहते हैं कि आबिद भाई, ये वाकया मेरी जिंदगी में पहली बार पेश आया, क्योंकि इससे पहले भी मैं कराची सफर कर चुका हूं पर मेरे साथ ऐसा वाकया कभी भी पेश नहीं आया। तमाम सुनने वालों के लिए इस सफर में ये नसीहत आमोज वाकया है। जो लोग दूर दराज सफर करते हैं रात में ट्रेन में या गाड़ियों में, तो वो जरा मोहतात रहें और इस तरह किसी भी अनजान शख्स से कोई लड़ाई ना करें। आपको नहीं पता कि सामने वाले के पास क्या हो, अगर वो इंसान भी है तो हो सकता है कि आपको किसी मुश्किल में डाल दे, और अगर इसी तरह वो कोई गैर मराई मखलूक हुई तो आप किसी मुसीबत में फंस सकते हैं। अपना ख्याल रखें और सफर की दुआ पढ़ के ही निकलना चाहिए। अपने ऊपर हिसार के लिए आयतुल कुर्सी भी पढ़ लें। अल्लाह से बड़ा कोई भी मुहाफिज नहीं है, सबसे बेहतरीन मुहाफिज अल्लाह है। ये थी वो कहानी हमारे भाई नबील की, जो कि एक टिकटॉकर भी है। बहुत शुक्रिया नबील, आपने वक्त दिया और अपना वाकया हमसे शेयर किया। इसी तरह सपोर्ट करते रहे और अपनी दुआओं में भी हमें याद रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। हम इंसानों की दुनिया में शैतान किस कदर पावरफुल हो चुके हैं जिसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते।
आज से तकरीबन 4 साल पहले 2020 में मियांवाली जेल में दो भाइयों को पुलिस ने नज़रबंद किया और जेल मुंतकिल कर दिया सिर्फ अमन व अमान की सूरत हाल के लिए। और उन पर जो चार्ज था वो ये था कि मुर्दा इंसानों का गोश्त खाते थे। वो दो नौजवान, दोनों आपस में सगे भाई थे, आरिफ और फरमान। सबसे पहले 2011 में कब्र में ताज़ी लाश लाई गई थी और कुछ ही दिनों बाद वो लाश गायब हो गई। ये दोनों भाई उसे खा गए। नामालूम अफराद की मुखबरी पर उन दोनों को गिरफ्तार किया गया और सज़ा भी सुनाई गई, लेकिन आज़ाद होने के बाद दोबारा 2014 में यही हरकत करते हुए दोबारा पकड़े गए। मुर्दा गोश्त खाने की वजह से दोबारा उन्हें सज़ा सुनाई गई और फिर से सज़ा पूरी करने के बाद छोड़ दिए गए। लेकिन 2020 में दोबारा कब्रिस्तान से मुर्दे चोरी करके खाने वाले यही दोनों भाई फिर से पकड़े गए थे और पुलिस ने इन्हें जेल भेज दिया। जब पुलिस ने इंक्वायरी की तो पता चला कि ये दोनों जो है आज से नहीं बल्कि काफ़ी वक्त से ये इंसानों का गोश्त खाते हुए आ रहे हैं, और इस किस्म के लोग हमारे और आपके भी दरमियान हो सकते हैं, लेकिन हमें कभी भी अपनी सच्चाई ये जाहिर नहीं करते। ये वही लोग हैं जो काला जादू करते या किसी गली कूचे और मोहल्ले में किसी आमिल के रूप में हमें नज़र आते हैं। हमें नहीं पता होता कि ये कितने ख़तरनाक है। जब ये काला जादू करने के लिए जो भी चिल्ला काट रहे होते वो करने के बाद जब इनका आखिरी अमल होता है उस दौरान इनको शयातीन, जिन्नात, जो ये तमाम चीज़ें करने को कहते हैं। आप अच्छी तरह जानते हैं कि इब्लीस इंसान का बहुत बड़ा दुश्मन है, शैतान। अगर एक बार इंसान शैतान के चुंगुल में फंस जाए और काला जादू करते वक्त अगर उसका ईमान ख़त्म हो जाए तो सबसे ख़तरनाक जानवर इंसान खुद ही है। आरिफ और फरमान नामी दोनों भाइयों के बारे में आप इंटरनेट पर पढ़ सकते हैं। आदमखोर इन पाकिस्तान के नाम से सर्च करेंगे तो इन दोनों भाइयों की कहानी सामने आ जाएगी। अगर मैं ये कहूं कि ये दोनों भाई आरिफ और फरमान बराए रास शैतान से राब्ते में थे तो ये गलत ना होगा। एक और अगली कहानी की तरफ बढ़ने से पहले आप तमाम सुनने वालों को यही अंतबा करूंगा, आप जहां भी रहते हैं अपने आसपास की जगहों पर नजर रखें, और ख़ासकर तब जब आपके बच्चे बाहर जाते हों, बहुत एहतियात और ख्याल रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। अब जो वाकया आप सबसे शेयर करने जा रहा हूँ, ये वाकया कराची से हमारे बहुत अच्छे लिसनर हैं, हमारे बड़े भाई की तरह हैं, जमील कुरैशी साहब ने ये वाकया हमसे शेयर किया। हमेशा हमें कमेंट भी करते हैं। जमील भाई कहते हैं कि पंजाब में हमारे रिश्तेदार रहते हैं, उन्हीं के यहाँ ये वाकया पेश आया था जो कि बहुत ही पुरसरार सा है। उसी फैमिली में उनकी जो बहू थी उन्हीं के घर में 4-5 सांप के बच्चे रोज आया करते थे और वो उन्हें दूध पिलाया करती थी। जब उसने सांप के बच्चे देखे तो उन्हें तरस आया, किसी कटोरे में दूध रख के छोड़ दिया। वो सांप के बच्चे रोज पीते थे और वो देखकर खुश होती। इसी तरह सिलसिला चलता रहा। और ये बता दूं कि इनके घर में सांप का सिलसिला भी से नहीं, यानी इनकी शादी से भी काफ़ी पहले से, जो हमारे रिश्तेदार हैं उनकी शादी भी नहीं हुई थी। जब वो छोटा था तब से ही उनके घर में सांप का सिलसिला जारी है, यानी छोटे छोटे सांप नज़र आते रहते थे, और माजी में इन्होंने सांप मारे भी हैं। उनकी सासू माँ अक्सर अपनी बहू पर चिल्लाती थी कि बेटा सांप को दूध मत पिलाओ वरना ये घरों के अंदर दाखिल हो जाएंगे, और सांप को घरों में कौन रखता है, ये खतरनाक होते हैं, सांप से जानी नुकसान भी हो सकता है, इसीलिए एहतियात ज़रूरी है। लेकिन फिर भी वो सांप पर तरस खा के रोज़ उन्हें दूध पिलाया करती थी। अब जिस दिन वो दूध नहीं रखती उस दिन बच्चों के रोने की आवाज़ें आती, अजीब गरीब आवाज़ें, जिस पर वो खुद भी थोड़ा सा परेशान हो जाते, और जैसे वो दूध रखती तो ये आवाज़ें भी ख़त्म हो जाती और वो सांप नमोदार हो जाते कहीं से और दूध पी के चले जाते। और एक दिन एक बहुत बड़ा सांप नमोदार हुआ, और वहीं जब बच्चे दूध पी रहे थे सांप के तो उन्हीं के पास खड़ा होकर इन्हीं की तरफ देख रहा था, यानी उनकी बहू को इस तरह देख रहा था गोया वो शुक्रिया अदा करना चाहता हो। उनके बच्चों को दूध पिलाया जा रहा था और उसी रात उनकी बहू को ख्वाब आया। ख्वाब में ऐसी सांप ने उनका शुक्रिया अदा किया कि तुमने मेरे बच्चों को दूध पिलाया है, और जिस तरह वो बोल रहा था ये बात वाजे थी कि वो कोई सांप नहीं था, बल्कि उसने ये भी कहा कि हम सांप के रूप में आते हैं। वो जिन्नात थे जो सांप का रूप इख्तियार करके
उसी घर में काफी अरसे से मुकीम थे। जमील भाई कहते हैं कि ये सिलसिला साहब के आने का अभी से नहीं बल्कि बहुत पहले से था, और एक बार इसने साहब को मारा भी था। इसी वजह से इनके घर में कुछ मसले मसाइल भी हुए। 12 साल से इनकी कोई औलाद नहीं थी। हम सभी जानते हैं कि जिन्नात खून में गर्दिश करते हैं, यानी खून की तरह गर्दिश करते हैं इंसान के जिस्म में, जिसकी वजह से बाज़ औक़ात इंसान बीमार भी पड़ जाते हैं और दवाइयाँ असर नहीं करती, क्योंकि असरात जिस इंसान के अंदर मुंतकिल हो जाए या जिस इंसान के जिस्म में आ जाए तो वो दवाइयाँ और जिस्म के दरमियान एक दीवार का काम करती है, जिसकी वजह से इंसान कितनी भी दवाइयाँ खाए वो तकलीफ़ ख़त्म नहीं होती। बहरहाल, जब वो सांप इसके ख्वाब में आया तो उसने इसे दुआएं भी दी, और उसके बाद इनकी बीवी 12 साल बाद माँ बनी। अल्लाह ताला ने इन्हें औलाद की खुशियाँ दिखाई, और एक दिन अचानक से इनके दरवाजे पर एक फ़कीर आया, और फ़कीर ने कहा कि तुम्हारे यहाँ जो बच्चे की विलादत हुई है उसके सदके कुछ मुझे खाने को दे दो। लेकिन जब उस खातून ने उसका हौलिया देखा तो बहुत ही अच्छा था। किसी भी एंगल से वो फ़कीर नहीं लग रहा बल्कि अच्छे घराने का लग रहा था, जो कि बहुत साफ़ सुथरा भी था। उस खातून ने कहा कि ठीक है, लेकिन आप मुझे मांगने वाले नहीं लग रहे। उसने बड़े शर्माते हुए और बड़े घबराते हुए ये अल्फाज कहे थे, कहीं उन्हें बुरा ना लग जाए। फिर उसने कहा कि दरअसल मैं तुम्हारा शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूँ। तुमने उन सांप को जो दूध पिलाया था, मैं उन्हीं का वालिद हूँ। तो इसने कहा घबराते हुए कि कौन से सांप? उसने कहा कि वही सांप जो छोटे छोटे तुम्हारे घर के एक तरफ आते हैं, और तुमने उन्हें दूध पिलाया, हमेशा कटोरे में दूध रखती थी, वो मेरे बच्चे थे। फिर उस खातून ने घबराते हुए कहा कि आखिर आप किसकी बात कर रहे हैं? हमारे घर में जो सांप आते थे उससे आपका क्या ताल्लुक? तब वो खातून समझी कि ये इंसान नहीं कोई जिन है, दरअसल ये इंसानी रूप में आया है। उसने कहा कि तुम्हारे यहाँ जो बच्चे की विलादत हुई है, मैंने अल्लाह ताला से दुआ की थी, और अल्हम्दुलिल्लाह कि तुम्हें औलाद से नवाजा अल्लाह ने, हम शुक्रिया अदा करते हैं। उसके बाद वो तो चला गया। जमील भाई कहते हैं कि उन्होंने वो घर सेल कर दिया था। सेल करने के बाद शायद किसी ने किसी सांप को मारा था जो दूसरी फैमिली आई थी। अब तो ये दूसरे घर में थे, लेकिन इसे ख्वाब आया, और ख्वाब में ये देखती है कि एक सांप की मौत हो चुकी है। उसके बाद इस खातून ने उसी घर वालों को अप्रोच किया, उसी घर में गई और कहा कि आप चाहें तो रोज़ मुझसे पैसे ले लें, लेकिन यहाँ पर दूध ज़रूर रखिएगा। और उस दिन भी वो एक दूध का पैकेट लेकर गई थी, और उसी जगह पर रखा जहाँ पर सांप आते थे। एक जगह बनी हुई थी नमूदार होने की। यही वो कहानी है, छोट सी। जमील भाई कहते हैं कि प्राइवेसी की वजह से मैं नाम नहीं लेना चाहता। ये थी कहानी हमारे रिश्तेदारों की। बहुत बहुत शुक्रिया, और आप तमाम सुनने वालों का भी दिल से बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और ईद की तैयारी भी अच्छी जा रही होगी। इस बार दिल की गहराइयों से कहता हूँ कि ईद की वो खुशी मेरे दिल में नहीं है। इसकी वजह फ़लस्तीन की शहादतें हैं, मासूम बच्चों की शहादतें, बुज़ुर्गों की, बूढ़ों की, ख़वातीन की। जब वो तमाम अमवातें देखी हैं तो दिल में अजीब सी कैफियत हो गई है। आखिर वो सब भी तो हमारे भाई बहन हैं। उनके जो हालात हैं, अब वो खाने को भी तरस रहे हैं। ऐसी सूरत हाल में यहाँ पर ईद की सेलिब्रेशन का दिल नहीं मानता। ईद की नमाज़ हम सभी पर फ़र्ज़ है, और मैं हमेशा ईद की नमाज़ पढ़ने के बाद कब्रिस्तान जाता हूँ। जितने भी हमारे बुज़ुर्गीन हैं और जो हमारे अहबाब गुजर चुके हैं, दुआ करने के बाद वापस करा जाता हूँ। उसके बाद कुछ ख़ास रूटीन वैसे भी नहीं होती, और इस ईद पर इंशाल्लाह आप सब भी और मैं भी उनके लिए दुआएं करेंगे बहुत ज़्यादा। अपना और तमाम अहल वयाल का बहुत ख्याल रखें, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा, नमाज पढ़ते रहें और तहारत की हालत में रहें। ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगेबान।